इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद तहसील में खड़ा हुआ हूँ, टूला तहसील में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर किसान जनजागरण अभियान के तहत यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, आज उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के लिए उन्होंने कुछ ऐसी, मतलब उन्होंने जैसे कि किसानों के हित में कोई काम ना होना और भारी तादाद में आवारा पशुओं का खेतों में प्रवेश करना और किसी भी प्रकार की गौशाला की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ योगी सरकार गौशाला को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादों की धज्जियाँ प्रशासनिक अधिकारी व कई एक अन्य लोगों के संज्ञान में है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो हमारे कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं वो आज आपको बताएंगे। उनकी गौशाला की मांग को लेकर या उनको भत्ता लेकर या जो कृषि व्यवस्था को जो सुचारू रूप से किस तरीके से चलाया जाएगा, उनकी कुछ मांग है, उन मांगों को लेकर यहाँ उप जिला मजिस्ट्रेट टूला तहसील को दिया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ज्ञापन, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह सुसंदिया है। सर आप किन बिंदुओं को लेकर यहाँ पर आए हैं? मैं यहाँ नगर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जी। ये हमारी मुख्य मांग ये है कि आवारा पशुओं से किसान परेशान है। किसान अपने घर से सुबह 5 बजे से निकलता है और रात के 9-10 बजे तक खेतों पर रहता है। पशुओं ने बर्बाद कर रखी है फसल उसकी और तबाह कर रखा है। इस प्रदेश की सरकार ने किसानों को बुरी तरीके से गौशाला के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी हो रही है। गौशाला में गाय मर रही है, वहाँ न कोई चारे की व्यवस्था है न कोई पानी की व्यवस्था है। तो इसी सब चीज़ों कर कर के हमारे किसान को उचित मूल्य दिया जाए, किसान का मुआवजा दिया जाए, ओलावृष्टि का मुआवजा दिया जाए, आलू का समर्थन मूल्य दिया जाए, गेहूँ का समर्थन मूल्य दिया जाए, किसान की फसल का पूरा पैसा देखने को लगता है कि कर्ज एक दो लोग के खाते में आ जाता है, बाकी किसी के खाते में नहीं आ रहा है। पहली बात तो ये, मतलब ये सिर्फ सरकार गुमराह कर दी है। दूसरा, ये जो आवारा पशु है जैसे गाय है, बैल है और एक जंगली सुअर और है, वो मतलब खेत को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है। हमारी सरकार इस तरफ कतई नहीं देख रही है। हमारी जो जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे जो गेहूं की खरीद है 3200 रुपया और यहाँ पे इसका कोई निर्धारित रूप, मतलब मीन्स जब तक किसान के पास जो फसल होती है तब कोई उसका निर्धारित मतलब मूल नहीं रखा जाता। जब सरकार के पास आ जाती है बिचौलिया ले लेते हैं, फिर उसका रेट बढ़ा देते हैं। जैसे अभी आपने देखा प्याज का दाम कितना तेज़ हो गया था। तो हम इन सब बातों को लेके, हम अपने किसान भाइयों को लेके कि हमारे और जो खाद है उसकी 45 किलो की बोरी कर दी जबकि 50 किलो की थी और रेट भी बढ़ा दिया, तो किसान कहाँ से लाए कहाँ से? और डीजल का दाम इतना कर दिया है, ठीक से फसल को पानी भी नहीं दे पाता। और विशेष तौर पर एक बात और बताऊँ, ये टूला विधानसभा में आपके गोटुआ मिले इस साइड में पानी खाली है, वहाँ की जो फसल है अधिकांश पानी की कमी की वजह से ख़राब होती है। आज तक सरकार ये नहीं देख पा रही कि वहाँ पानी को मुहैया कराया जाए। जब हमारे सांसद जी थे राजबब्बर जी, जब गोटुआ में एक टंकी बनवाई थी वो भी आज की डेट में ख़राब पड़ी हुई है, उसको भी नहीं देखा जा रहा है। वहाँ पे जाके आप कोई भी जाके देख लो। मैडम, जो किसान जनजागरण जो अभियान चल रहा है और एक तरफ भारतीय किसान यूनियन भानु उनका भी एक अपना संगठन है, क्या वो भी मतलब आपके साथ हैं? हाँ, आपकी और भाई हमारी दोनों नीतियाँ एक ही हैं, एक ही नीतियाँ, क्योंकि वो भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी किसानों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि किसान अगर नहीं होगा तो देश हमारा कैसे चलेगा? पेट हमारा किसान के द्वारा भरा जाता है, जिस तरह जबान हमारी रक्षा करता है। भारत के 10 राज्यों में तकरीबन कांग्रेस की सरकार चल रही है, क्या वहाँ पर हमारा किसान सुखी जी? बिल्कुल संपन्न है जी, बिल्कुल। होना कांग्रेस ने जैसे कहा था, आप जाके देख लीजिएगा मध्य प्रदेश राजस्थान जहाँ भी है, तुरंत 10 दिन के अंदर कर्जा माफ किया। आज बिजली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 7.5 रुपया यूनिट के हिसाब से लग रहा है, वहाँ 1.25 रुपया यूनिट है। आखिर ऐसा क्यों? तरीके से शुरुआत हमारे बड़े नेताओं के द्वारा प्रियंका जी इसकी ने ही इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है और उन्हीं के दिशा निर्देश पर चल रहे। अभी आपने जो ये बात बोला पूछा कि SDM साहब ने, जब हमने ज्ञापन दिया तो SDM साहब ने रूप से क्या कहा? क्या बात है? ऐसा है ना, हमारा एक फॉर्म था इस तरह का फॉर्म, उसमें एक SDM महोदय जी को, जिला अधिकारी महोदय को देना था कि किसान की ये समस्या है, लेकिन उन्होंने वो फॉर्म वापस कर दिया और हमको ये बोला कि आप हमें एक लिस्ट बना के दे दो, हम गाँव वाइज तो जाँच कराएंगे, हम अपने लेखपाल से जाँच करा लेंगे। आप बताइए, क्या SDM साहब को नहीं पता कि गाय खेत में घुस रही है, रात रात भर किसान नहीं सो पाता है? क्या ये जांच कराने का विषय है? ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, सब जानते हैं, लेकिन
SDM महोदय ने इस तरीके का जो उन्होंने वायदा किया है तो फॉर्म नहीं लिए, तो फॉर्म नहीं लिए तो इसका मतलब यहाँ आना आपका शायद बेकार हो गया क्या? हाँ, हमें तो यही लगता। तो फिर इसके बाद आप क्या करोगे? अभी जिला अधिकारी महोदय के यहाँ 6 तारीख को हमारा जिला अधिकारी के यहाँ पे हम धरना देंगे, वहाँ पे ज्ञापन देंगे। फिलहाल आपका ये नहीं लिया गया? नहीं, हमारा ये नहीं लिया, नहीं वापस कर दिया। यहाँ पर हम टुंडला तहसील में खड़े हुए हैं, यहाँ कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं उनका ये गंभीर आरोप है। जो तहसील दिवस पर उप जिला मजिस्ट्रेट जो बैठे थे उन्होंने अपने इस तरीके के फॉर्म को भर के दिया, यानी किसानों के जो जो चीज़ हो रही है इस तरीके का उन्होंने मतलब वापस लौटा दिया। अब ये तो देखते हैं किसान कांग्रेस कमेटी के सदस्य क्या करते हैं। रवि प्रकाश की रिपोर्ट, आगरा मंडल प्रभारी, कल पोस्ट समाचार।